योगी सरकार के निर्देशन में प्रदेश में गुंडों और माफियाओं पर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस गुंडों पर मेहरबानी के फूल बरसा रही है। मामला गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ गुंडों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद युवक को मरने जैसी हालत में छोड़कर चले गए। साथ ही गुंडों ने पिटाई का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। आपको बता दें कि युवक ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे ही पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर को इसकी भनक लगी तो उन्होंने थाना अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए गुंडों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, जिस पर नवाबगंज पुलिस ने अब तक एक ही गुंडे को गिरफ्तार किया है। गुंडा थाना नवाबगंज से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के को कुछ लोग मारपीट किए गए हैं। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि नवाबगंज में एक 19 फरवरी की ये घटना है, शाम के समय की। मोहम्मद एजाज नाम का लड़का है, इसको इसके दोस्त की किसी बात को लेकर के इसको ननकऊ यादव, सुमित सिंह, अवध किशोर और भानु सिंह, ये तीन चार लड़के हैं जिनके द्वारा इसके मारपीट की जा रही है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।